ये है लखनऊ का बुद्ध मार्केट, बुद्ध बाजार जो लगता है गोल मार्केट में। आज अभी हम आ गए हैं निषादगंज और इधर देखिए आज मार्केट लगा हुआ है पूरा, हर जगह कपड़ों का मार्केट है भाई। ये देखो आगे भाई बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, आगे बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ये देखो यहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी आई हुई है और यहाँ पर देखो सफारी का हाल, पूरी सफारी आगे से ना टूट गई है। और ये देखो ट्रेलर में और बड़े वाले ट्रक में टक्कर हुई है, आगे का पूरा हिस्सा गायब है, ट्रक का भी ट्रेलर का भी पूरा पहिया वहिया निकल गया है। ये देखो कितना भयानक टक्कर हुआ पड़ा है भाई, वो भी मेन हाईवे पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में और आज का मौसम भी काफ़ी सुहाना है और यहाँ पर बादल छाए हुए हैं और लग रहा है बारिश का मौसम होने वाला है। और आज हम निकल रहे हैं लखनऊ से गोरखपुर के लिए और हम सफ़र करेंगे भाई साहब रोडवेज बस से, और हमें छोड़ने के लिए जाएगा मोंटी। और अभी हम कुछ ही देर में निकलेंगे यहाँ से। और ये देखिए लखनऊ का क्या मौसम है भाई, इस टाइम का बादल छाए हुए हैं, लग रहा है कि शाम तक या रात तक तो भाई बारिश ज़रूर होगी, एकदम 100% बारिश होगी। तो हम यहाँ से निकलेंगे आलमबाग और वहाँ से गोरखपुर के लिए रोडवेज बस मिलती है तो रोडवेज बस पकड़ेंगे और वहाँ से गोरखपुर के लिए निकलेंगे। मैं अपने गांव के लिए बस पकड़ने वाला था लेकिन जो गांव के लिए बस जाती है वो बस आज आई नहीं है, दोनों बस नहीं आई है। मैंने कॉल किया उनको तो पूछा तो उन्होंने बोला आज बस गई ही नहीं है, तो इसलिए हमें गोरखपुर जाना पड़ रहा है। तो यहाँ से निकलेंगे आलमबाग और आलमबाग से हम निकलेंगे गोरखपुर। तो आपको इस ब्लॉग में पूरी जर्नी दिखाएंगे, तो आप लोग इसी तरह इस चैनल पर इस वीडियो पे ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा पैकिंग करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं लखनऊ से गोरखपुर के लिए, वो भी रोडवेज बस से। तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं आलमबाग रेलवे स्टेशन के लिए मोंटी के साथ, और मोंटी देखिए यहाँ पे स्कूटी राइड कर रहा है। अभी हम चलेंगे निषादगंज से ऑटो ले लेंगे, वो डायरेक्ट हमें आलमबाग जाके छोड़ देगा। फ़ायदा क्या है स्कूटी से उतना दूर जाने का, फिर ये आएगा जाएगा आएगा टाइम लगेगा, ऑटो से चला जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम पीएससी गेट के पास ही पहुंचे हैं और सामने का व्यू आप लोग देख सकते हैं लखनऊ का। अभी यहां से हम लोग जाएंगे सीधा और हम लोग निषादगंज से ऑटो पकड़ेंगे डायरेक्ट। मेट्रो भी चलती है लेकिन मेट्रो का थोड़ा सा 5 मिनट 2 मिनट वेट करना पड़ता है, टाइम से ना मिले इससे बढ़िया है थोड़ा सा वीडियो के लिए हमें ऑटो से ही जाना सही लग रहा है, थोड़ा सा वीडियो मिल जाएगी भाई बढ़िया लोकेशन का। वो डायरेक्ट हमें आलमबाग रेलवे स्टेशन पे ले जाके उतार देगा, फिर कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए रास्ते में वीडियो बनाते हुए चलेंगे ना, इसलिए ऑटो से सही है। ये है लखनऊ का बुद्ध मार्केट, बुद्ध बाजार जो लगता है गोल मार्केट में है, और यहाँ पे भाई साहब सारे सामान बहुत सस्ते सस्ते मिलते हैं। यहाँ पर पूरा ये रोड जाम से भर जाता है पूरा, देखो यहाँ पे। आज अभी हम आ गए हैं निषादगंज और इधर देखिए आज मार्केट लगा हुआ है पूरा, हर जगह कपड़ों का मार्केट है भाई। ये देखो इधर देखो हर जगह चारों तरफ मार्केट ही मार्केट आपको दिखाई देगा कपड़ों का भाई साहब, खासकर कपड़ों का। निषादगंज पहुंच चुके हैं, अब यहीं से हम ऑटो पकड़ेंगे। फाइनली गाइज हम ऑटो में बैठ चुके हैं और निषादगंज से ऑटो जो है वो निकल गई है आलमबाग के लिए, या चार बाग हमें उतारेगी ये, कहीं भी उतारे वहाँ से तो मैं चला जाऊँगा। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं चारबाग रेलवे स्टेशन पर और यहां से ऑटो अब हम पकड़ेंगे आलमबाग के लिए, अभी डायरेक्ट यहां से आलमबाग के लिए मिल जाएगी। तो अब धीरे धीरे रात भी हो रही है, मतलब अंधेरा हो रहा है, रात तो हो ही रही है फिलहाल। ये है चारबाग रेलवे स्टेशन और अभी हम आगे चलते हैं, आपको चारबाग का मेट्रो स्टेशन भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं भाई, ये है चारबाग का मेट्रो स्टेशन और उधर है चारबाग का रेलवे स्टेशन। आज यहाँ पर खुला है नया रेल कोच रेस्टोरेंट, इधर देख सकते हैं चारबाग रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने ही खुला है, और ये है यहाँ का मेट्रो स्टेशन चारबाग का, और काफ़ी डेवलपमेंट किया जा रहा है चारबाग रेलवे स्टेशन का। और ये जो होटल है ना काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी माना जाना होटल है भाई, रेल कोच के अंदर पूरा रेस्टोरेंट बनाया गया है। आइए मैं आपको थोड़ा सा बाहर से ही दिखाता हूँ, ये देखो रेल कोच रेस्टोरेंट, अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इस होटल को कैसे बनाया गया। ये देखो
really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. दोस्तों अभी हम चारबाग रेलवे स्टेशन के ऊपर ब्रिज पर हैं और ब्रिज से देखिए यहाँ का क्या नज़ारा दिखता है भाई। नीचे कितना ज़्यादा क्राउड है और सामने ही मेट्रो स्टेशन है और सामने ही ब्रिज पे मैं खड़ा हूँ और नीचे देखो कितना ज़्यादा क्राउड है, कितनी गाड़ियाँ, ऑटो, टेम्पो आपको दिखाई दे रहा है। और इधर देखो, इधर भी वही हाल है भाई, ब्रिज के नीचे का हाल, चारबाग रेलवे स्टेशन। यहाँ का नज़ारा देखो आप ऊपर से, और यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा पार्क और सामने चारबाग रेलवे स्टेशन। देखो रात में कितना खूबसूरत दिखता है, एकदम जगमगाता हुआ। फाइनली गाइज हम लोग आलमबाग बस स्टैंड आ चुके हैं, आप लोग सामने देख सकते हैं वहाँ पर लिखा है आलमबाग बस स्टैंड, और यहीं से हम गोरखपुर के लिए बस पकड़ेंगे और फिर निकलते हैं। तो आपको वीडियो कंटिन्यू आगे दिखाते हैं, अभी टाइम तो बहुत हो चुका है लेकिन रात में मैं पहुँचूँगा 2-3 बजे गोरखपुर। तो यही है आलमबाग का बस स्टैंड, चारबाग से ऑटो से 10 रुपये लगते हैं। तो फाइनली गाइज हम अपने रोडवेज बस में बैठ चुके हैं, मैंने पानी भी ले लिया है, मैंने यहाँ पर बिस्किट भी ले लिया है। आगे अंकल लोग बैठे थे इसलिए मैं यहाँ पर वॉइस ओवर दे रहा हूँ। देखिए आगे कुछ लोग बैठे हुए हैं और बस धीरे धीरे यहाँ पे और यात्री इसमें आ रहे हैं। जब यात्री फुल हो जाएंगे तो ये बस निकलेगी। अभी ये बस आलमबाग बस स्टैंड और आलमबाग मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे ही है, ऊपर ही इधर मेट्रो स्टेशन है, देखो आलमबाग मेट्रो स्टेशन। और हम बस में ऑलरेडी बैठ चुके हैं, बहुत ही गर्मी हो रही है भाई, और जैसे ही बस निकलेगा सुबह यानी भोर में 2-3 बजे तक तो पहुंचा ही देगा। वहां से हमारी बस चल के आ चुकी है चारबाग बस स्टैंड के पास, और कई सारी बसें यहां से होकर जाती हैं और कई सारी डायरेक्ट पीछे से ही निकल जाती हैं, लेकिन ये बस चारबाग बस स्टैंड होते हुए जा रही है। Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year. तो गाइज फाइनली रात के 10 बज रहे हैं और हमारी जो बस है अभी अयोध्या में एक ढाबा है, कृष्णा ढाबा, वहाँ पे रुकी हुई है और खाने पीने के लिए आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए कृष्णा ढाबा है, अयोध्या में पड़ता है, और यहीं पर हमारी जो बस है ना ये रुकी हुई है। ये हमारी रोडवेज बस है जिससे हम गोरखपुर के लिए जा रहे हैं, और मेन हाईवे के जस्ट बगल में ही है मेन हाईवे, लखनऊ की तरफ से आता है, इधर गोरखपुर की तरफ जाना है भाई। हमारी बस यहीं पर रुकी है, थोड़ा चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद बस में बैठेंगे फिर निकलेंगे। हमारी जहाँ पे बस रुकी हुई है यहाँ पे गरम गरम टिक्की मिल रही है, तो हमने टिक्की ले लिया भाई 30 रुपये का, यहाँ पर देख सकते हैं ढाबे के पास। और ये है हमारी बस, पहले टिक्की खाते हैं फिर भाई साहब निकलते हैं। तो गाइस फाइनली अभी रात के 12 बज रहे हैं और हमारी जो बस है ये बस्ती में रुकी हुई है, हरैया एक जगह का नाम है वहीं पर, और सभी लोग ढाबे पर मतलब खाना वगैरह खाने के लिए रुके हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं सामने बोर्ड पर यहाँ पर एड्रेस वगैरह सब लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं रोटी बोटी वेज रेस्टोरेंट, और हमारी बस इधर रुकी है, ये देखो ये हमारी बस रुकी है भाई। और कंडक्टर साहब और ड्राइवर साहब जाके यहाँ पे पानी वगैरह पी रहे हैं इस रेस्टोरेंट में। तो ये लखनऊ से आ रही है हमारी बस और दो जगह रास्ते में रुकी भाई, एक जगह तो पहले अयोध्या में ही रुकी थी और एक जगह यहाँ पर रुकी हुई है। और यहाँ पर ड्राइवर साहब लोग उधर आराम से नाश्ता पानी कर रहे हैं, और अभी हम लोग यहीं पे रुके हैं, 5-10 मिनट के बाद हमारी जो बस है वो यहां से खुलेगी रोडवे। गाइज आगे दूसरी लेन पे बहुत तगड़ा वाला जाम लगा हुआ है, लग रहा है आगे कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो पूरा रोड ही जाम हो चुका है, और हमारी जो बस है ना वो उल्टे लेन पे चलने लगी है। पहले से ही इन लोगों को पता चल गया तो इन लोगों ने उल्टे लेन पे बस ले लिया है, और देखो कितना लंबा जाम है भाई, बहुत ही लंबा जाम है। और जिस लेन पे अभी हम चल रहे हैं ना, इस लेन पे भी आगे जाम ही मिलने वाला है क्योंकि उधर से भी गाड़ियां आ रही हैं। ये देखो हमारी बस ऑलरेडी यहाँ पे
रुक गई है और काफ़ी लंबा जाम है। और गाइज इधर अभी अभी पता चला है कि बहुत ही भयानक हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर आई हुई है, सफारी ट्रेलर और यहाँ तक कि बड़ा वाला ट्रक ना आपस में टकरा गया है। ये देखो ये सफारी है, जो लाइट जल रही है ना अभी आगे का हिस्सा, इसका देखो पूरा ही हिस्सा ना गायब हो गया है। मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखो आगे का पूरा हिस्सा ही भाई गायब है, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है। ये पीछे से लड़ी है, टक्कर तो हुआ है भाई ट्रक और ट्रेलर में, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये जो आपको सामने ये ट्रेलर दिख रही है ना, ये वाली, इसका आगे का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा आगे का हिस्सा ही टेढ़ा हो गया है, टूट के बीच से ही टूट गया। और आगे वाला ट्रक देखो, उसका भी आगे का हिस्सा पहिया या सब निकल गया, पूरा चकनाचूर हो गया भाई आगे का हिस्सा। ये कंटेनर का हाल देखो और ट्रक का हाल देखो, ट्रक कैसे एकदम टेढ़ा हो गया, ट्रक देखो एकदम टेढ़ा हुआ पड़ा है रोड पे, एकदम आगे वाला हिस्सा भाई साहब एकदम सट गया है, तो इसलिए ये जाम लगा हुआ था। और अभी फ़िलहाल हम लोग जाम से थोड़ा सा निजात पाए हैं, अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे भाई आराम से। दोस्तों ये है गोरखपुर का बस स्टैंड और रात के बज रहे हैं 3, और बस स्टैंड पे देख सकते हैं किस तरह की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ देखिए हर जगह आपको बसें ही बसें नज़र आएंगी, और यहाँ पर भाई रात में भी दुकानें खुली रहती हैं। आगे जस्ट गोरखपुर का रेलवे स्टेशन है, उधर वहाँ से हम चल के जीप पकड़ेंगे, जो भी सवारी हमें मिलेगी उसको हम पकड़ के भाई निकलेंगे गांव के लिए। तो फाइनली गाइज हम गोरखपुर पहुँच चुके हैं और हमारे पीछे जो बस खड़ी है इसी बस से हम आए हैं, और ये है गोरखपुर का बस स्टैंड। अब यहाँ से हम जीप वगैरह टैक्सी वगैरह यानी जीप वगैरह या ऑटो करेंगे और घर पे निकलेंगे। तो देखिए पीछे हमारे बस स्टैंड है गोरखपुर का, और यहाँ से हम रेलवे स्टेशन के साइड निकलेंगे, वहाँ से हम कोई भी ऑटो पकड़ के गांव के लिए निकलेंगे। रात के 3 बज रहे हैं भाई।